हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसोपार्ट। आई एम मोनीश। परसों मैं KGF चैप्टर 2 देख कर आया। बहुत ही अच्छा मूवी था एज एक्सपेक्टेड। मूवी देखकर आते ही मैंने सोचा KGF तो अभी पूरे इंडिया में फैल चुके हैं, क्यों ना मैं भी एक ड्राइंग बनाऊं KGF के ऊपर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैंने KGF चैप्टर 2 का दोनों कैरेक्टर की ड्राइंग बनाऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मैंने आज भी ड्राइंग इस दोनों ही पेन से बनाऊंगा। ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन। ये ब्लू से आउटलाइन बनाऊंगा, मैक्सिमम काम होगा। ये ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से यूज एंड थ्रो पेन है। तो ये दोनों कैरेक्टर के मैंने उठाया, दोनों फ़ोटो मैंने चूज़ किया। यह है पहले वाला यश का, यह दूसरे वाला अधीरा का। बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर है दोनों। इस दोनों फ़ोटो को मैं एक साथ करूँगा एक ही पिक्चर में, देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। तो पहले मैंने यश का फ़ोटो से शुरू किया। वो यूज एंड थ्रो पेन से ज़्यादा मैं इस फाउंटेन पेन को प्रायोरिटी देती हूँ ड्राइंग के लिए। वो पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए इस पेन से कर रहा हूँ। इस पेन से मैं आउटलाइन कर रहे हूँ। अब मैं ब्लैक बॉल पॉइंट ले लिया। इस पेन से डिटेलिंग बहुत अच्छा से हो पाता है, शेडिंग भी अच्छे से हो पाता है। देखिए, पेन से ड्राइंग करने के समय अच्छे से ओरिजिनल पिक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा मैटर है विजन का, आप कैसे देख रहे हो ओरिजिनल फ़ोटो को, वैसे ही आपको करना है। पेंसिल से करना और पेन से करना बहुत ही अलग चीज़ है। पेंसिल से आप इरेज कर सकते हो कोई भी गलती हो गई तो, पेन से वो नहीं कर सकते हो आप। इसलिए बहुत ठंडे दिमाग से अच्छे से देखकर आपको करना पड़ता है। मैं पोर्ट्रेट जब भी करता हूँ शुरू करता हूँ आँखों से, क्योंकि आँख जो है ना वो पोर्ट्रेट का जान होता है। अगर आँख थोड़ा सी इधर उधर हो गया तो पूरा पोर्ट्रेट बिगड़ जाता है। इसलिए ओरिजिनल फ़ोटो का अच्छे से देखकर आँख के मेज़रमेंट करने के बाद पोर्ट्रेट करना चाहिए, क्योंकि आँख से ही पोर्ट्रेट 50% हो जाता है। अगर आँख आप ठीक ठाक किया तो किसका फ़ोटो हो रहा है लोग पहचान लेंगे। बाकी जो चीज़ है कान बाल दाढ़ी वो जो है थोड़ी सी इधर उधर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आँख बहुत मेन चीज़ होती है। और रही बात शेडिंग की, तो आपको पहले ओरिजिनल फ़ोटो का लाइट को अच्छे से देखना पड़ेगा। लाइट किस तरफ से पड़ रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड से आपको पेन चलाना पड़ेगा। पेन हो या पेंसिल हो, जिससे भी आप पोर्ट्रेट कर रहे हो, तो आपको वैसे ही चलाना पड़ेगा। और जैसी भी मर्जी पेन को चलाने से या पेंसिल को चलाने से नहीं होगा, पिक्चर में जिस तरफ से जैसे लाइट पड़ रहा है आपको उस हिसाब से पेन चलाना पड़ेगा। इसको कहता है स्ट्रोक। अब देख पा रहे हैं मैं कैसे चला रहा हूँ, उस हिसाब से ही आपको चलाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पोर्ट्रेट का जो टेक्निक होता है उसका ट्यूटोरियल ले आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं ले आऊँगा ट्यूटोरियल हर एक चीज़ का, हर एक डिटेलिंग का, कैसे पोर्ट्रेट में डिटेलिंग आप कर सकते हो और भी ज़्यादा और भी रियल कर सकते हो कैसे। पेन हो या पेंसिल, जिसे भी चाहिए आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को इस ड्राइंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ड्राइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। We'll be right back.
तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले, कह देना उनको कि मैं आ रहा।